विधवाओं का आंसू आपके ऊपर पड़ेगा, इसलिए आज आप जो जवान दिए हैं, प्रेस रिपोर्टर के सामने हो चाहे पुलिस प्रशासन के सामने हो, हम कभी झूठ नहीं बोले हैं। सबके सामने में ये जवान दिया गया कि मेरा सुपीरियर ऑथोरिटी 10 दिन में आप लोगों को नौकरी लगा देगा। इस वक्त हम मौजूद है अलीपुर चिड़ियाखाना में, जहां आज दोपहर कर्मचारियों ने अचानक कार्य स्थगन कर दिया। कहा जा रहा है कि आज सुबह 111 अस्थायी कर्मचारी नई नियुक्ति के तहत अपनी नौकरी ज्वाइन करने आए थे। इसके बाद ही कर्मचारी यूनियन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारी यूनियन के अधिकारियों का आरोप था कि पिछले 2016 से अभी तक करीब 5 कर्मचारी मारे गए हैं, ड्यूटी के दौरान मारे गए, जिनके परिजनों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ऐसे में सरकार ने उन परिजनों को नौकरी ना देते हुए नई नियुक्तियाँ कर दी, जो कि उनके साथ अन्याय है। इसके बाद ही कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के नेता राकेश सिंह द्वारा काफ़ी देर तक विरोध प्रदर्शन के बाद में अलीपुर और वारगंज थाने के पुलिस के हस्तक्षेप के बाद डायरेक्टर से एक बैठक हुई। बैठक में डायरेक्टर अलीपुर चिड़ियाखाना के डायरेक्टर ने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों के अंदर प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी, उसके बाद ही आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। কিন্তু আমার একটাই বিরোধ ছিল যে 2016 থেকে এখানে কাজ করতে করতে মরে গেছে, কাজ দেবে বলেছে, তাই তাকে কাজ দিবে উইদিন 10 ডেজ। ক্যামেরা পার্সন দীপেনদের সাথে মই দীপক সন্মাত কলকাতা।